बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कम ही एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने सांवले रंग के साथ अपनी पहचान बनाई है। इन्हीं में से एक है राधिका आप्टे। पुणे में जन्मी राधिका ने अपने करियर की शुरुआत बतौर थिएटर आर्टिस्ट के रूप में की थी। शाहिद कपूर की 2005 में आई फिल्म लाइफ हो तो ऐसी के जरिए उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म शोर इन द सिटी के जरिए मिली। साधारण सूरत वाली राधिका फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग से चर्चा में बनी रहती हैं। साल 2012 में राधिका ने लंदन बेस्ड म्यूजिशियन बेनेडिक्ट टेलर से रजिस्टर्ड मैरिज की थी। राधिका अपनी बेहतरीन एक्टिंग के अलावा किसी और वजह से मीडिया की सुर्खियों में भी बनी रहती हैं। पिछले साल आई उनकी फिल्म पास्ट के सीन लीक होने से वो पूरे मीडिया की हेडलाइन बन गई थी। फिल्मों में सीधी साधी लड़की की भूमिका निभाने वाली राधिका 2015 में बिंदास लुक में दिखाई दी। फिल्म बदलापुर में राधिका का लुक और उनकी एक्टिंग सबको काफी पसंद आई। इस फिल्म के बाद दर्शकों की जुबान पर राधिका का नाम चढ़ गया। राधिका ने शॉर्ट फिल्म अहिल्या, पास्ट और फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में निभाए अपने किरदार से काफी सुर्खियां बटोरी। राधिका आप्टे साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म कबाली में उनकी पत्नी के रूप में भी नजर आई थी। फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय को खूब सराहा गया था। राधिका अक्षय कुमार की पत्नी के किरदार में फिल्म पैडमैन में भी नजर आएंगी, जो फरवरी में रिलीज होने वाली है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।